Go! ये दो ओवर की गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। बढ़िया गेंद, अच्छा पुष्कर ने बल्लेबाजी में अच्छा तरफ दिखाया, बल्लेबाजी के दम पर दिखाते हो पुष्कर। यहाँ पुष्कर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर पे खड़ा है पुष्कर ने।
180 रनों का लक्ष्य रखा है।
अच्छा कंपन दिखाया था आपको।
गेंदों दिखाते हुए नंबर तीन रन दिए पांच गेंदों में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। एक बार फिर से बता दें ऑर्गेनिक्स लाइफ साइंस टीम के ओनर हमारे Thank you.
Thank you.
kasih kepada semua orang yang telah menonton. Boleh bersuara bersih ya.
और डॉट बॉल दिया यहां पर सुपर ओवर बोलते हैं क्या जाएगा क्या यही होना चाहिए पहला सुपर ओवर जो देखने को मिला जाएगा यहां पर अगर डॉट बॉल निकालते हैं तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा और यहां पर आदित्य को करना होगा सारे पहले चौथा गेंद लिखने होंगे किए हुए न लेकर सुपर ओवर देखने को मिले जीरा सुपर ओवर देखने को मिलेगा मैच जीते गया ओपनिंग स्टाइल टाइम यहां देखने को मिलेगा सुपर ओवर आज की जीत का श्रेय मोहम्मद को जाता है सबसे पहले बहुत ही अच्छा गेम खेला विजय ने जोरदार तालियां हुई विजय के लिए बहुत ही अच्छी मैदान में खेली जहां पे विकेट गिर चुकी थी वहां पर उसने इस मैच को बनाया है और उसके बाद हम बात करेंगे पुष्कर की कि अगर जिस हिसाब से अपनी टीम में रन गिर रहे थे 9 विकेट हो गए आखिरी विकेट पे आगे 50 रन की जो अच्छी पारी खेली पुष्कर ने जोरदार तालियां पहले पुष्कर सिंह के लिए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की पुष्कर ने ज्यादा समय ना लेकर सीधे हम बुलाना चाहते हैं ऑर्गेनिक्स लाइफ साइंस के टीम के ओनर अखिलेश शर्मा की वो यहाँ पर मौजूद है जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए अखिलेश शर्मा मैंने बहुत ही कीमती समय निकाल कर आए हैं इस टूर्नामेंट में या टूर्नामेंट में थोड़ा सा समय दिया अखिलेश जी ने और दूसरा हम बुलाना चाहेंगे एनएम स्पोर्ट के ओनर मनोज कुमार जी का जो कि अपना कीमती समय निकाल कर आए आखिरी के 10 ओवर में आए उन्होंने मुकाबला देखा बच्चों का प्रसारण देखा कि क्या बॉल है देखिए उन्होंने क्या विकेट लिया और अब ज्यादा समय न लेकर सीधे बुलाना चाहेंगे आज के मैन ऑफ द मैच को जिन्होंने 6 ओवर में 26 रन लेके 4 विकेट लिए
हुए 5 विकेट लेने से। जी हाँ, 5 विकेट लेने से हालांकि चूक गए, मगर 4 विकेट निकाली अपने एक मुकाबले में। थोड़ा महंगे साबित जरूर हुए थे पहले मुकाबले में, आज अच्छा कमबैक करते हुए 4 विकेट ली। बहुत ही अच्छी पारी खेली। अब मैं बुलाना चाहूंगा साफेस खान को कि इधर कमेटी बॉक्स में थोड़ा सा। अरे इधर आओ भैया, बीच में आओ। ये साफेस जी आज हालांकि 5 विकेट लेने से चूक जरूर गए, सारा विकेट रोक के रखा, क्योंकि 8 विकेट गिर जाने के बाद टीम मोस्टली कोलैप्स हो जाती है, 2 विकेट बचते हैं, आने वाले बल्लेबाज नहीं थे, फिर भी वहां पर थोड़ा साथ दिया विजय का। जी सर, वहाँ पे मुझे जो जरूरी लगा मैंने वही किया, मैं मारने के लिए नहीं जा रहा था, मैं बॉल डॉट कर रहा था सर, और बाकी मारने का काम विजय कर रहा था, तो मैं उसका साथ दे रहा था। पहली कांग्रेचुलेशन साफेस की, आपने 4 विकेट लिए, अच्छी पारी खेली। हम चाहेंगे अगले मुकाबले में भी आज अच्छा विकेट डालें, और इसके बाद ज्यादा समय लेकर सीधे आगे बुलाना चाहते हैं आज के बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड, जो कि जाता है पुष्कर सिंह को, सैफ्रॉन बैंकर की टीम से पुष्कर, जिन्होंने 53 रनों की पारी खेली 44 गेंदों में, शानदार पारी खेली, अपनी टीम को मजेदार से निकाला था पुष्कर। जी हाँ, सैफ्रॉन बैंकर की टीम से बढ़िया पारी खेली, 6 चौके और 1 छक्के के साथ पुष्कर सिंह। बहुत ही अच्छी पारी खेली पुष्कर ने, वहां पे विकेट की जरूरत नहीं थी, वहां पे अपने विकेट रोक के रखा है, एक एंड से अपने आप को चार्ज अप करते रहे, 5 बॉल खुद खेली, लास्ट पे सिंगल लिया, वहां पे रन बनाया अपनी टीम के लिए मजेदार से, जहां पे 50 रन पे टीम 8 विकेट थी, उसके बाद आपने 100 रनों की वहां पर पार्टनरशिप करी और 50 रन खुद लगाए, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है ऐसी बैटिंग करके, और कोशिश थी कि लास्ट ओवर तक टीम का स्कोर ले जाया जाए, और लगा पुष्कर अच्छा लगा आपकी पारी अच्छी के लिए आपने, इसलिए आपको बेस्ट बैट्समैन के अवार्ड से नवाजा जा रहा है, 44 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली, और इसके बाद आप बुलाना चाहते हैं अगले अवार्ड की तरफ, जो की जाता है बेस्ट बॉलर का अवार्ड, अर्जुन दुबे 6 ओवर में 1 मैडन 36 पंजा लेने से ये भी थोड़ा जरूर चूके, मगर अच्छी बॉल खेली पिछली बार, कल से मुकाबले से अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने अर्जुन दुबे ने, 6 ओवर में 36 रन 1 मैडन और 4 विकेट निकाला अर्जुन। यहाँ बहुत ही शानदार पारी खेली और जो गेंदबाजी करी, मैच में थोड़ा सा रोमांच लगाया वहां पर, लगातार हैट्रिक से जरूर चूके मगर जरूर निकाला अर्जुन। और अब आगे बढ़ते हैं इस टूर्नामेंट का सबसे अनोखा और अजूबा अवार्ड, जो जाता है विजय को, विजय कुमार जो से 74 रनों की पारी खेली, मात्र 43 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौकों के साथ। जी हाँ, छक्के में भी 6 और चौके में भी 6, यहाँ गेम चेंजर अवार्ड विजय को, बहुत ही शानदार पारी खेली विजय, तालियां बस्ती रहनी चाहिए खिलाड़ी के लिए, क्योंकि मैच हारा हुआ मैच जीत के लाया है खिलाड़ी, वो सही सही कहते हैं, जीत कर हारने वाले को बाजीगर करते हैं, मगर यहाँ हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वेल विजय, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना शॉट लगा रहे थे या रन मार रहे थे। सर, हमको वहाँ पे टिकने की जरूरत थी क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा गिर गया था, और रन की जरूरत थी तो उस तरफ से मैं मार रहा था, और एक मेरे पार्टनर भाई थे मुझे सिंगल निकाल के दे रहे थे। शायद वहाँ पर रन अगर विकेट एक और गिरता आप लूज हो जाते, वहाँ पर मैच लूज हो सकता था। यस सर, मुझे पता था कि विकेट हमारे नीचे नहीं है, तो इसीलिए मैं भैया को कहा था कि मतलब आप रुके रहिए, मैं एक तरफ से अगर जो लूज। और अगर बात करें आपकी कैच की, जो मोमेंटम में छूटा था वो कैच थोड़ा सा शायद अगर क्रिटिकल होता, अगर और कैरी होता हो जाता तो शायद मैच हाथ से निकल जाता। वही तो बहुत दुखी हुआ सर मैं उस कैच को, मतलब हाथ में चाहेंगे आपने गेंद भी एक खुवाई है, उसका पेनल्टी आप असल करिएगा, हालांकि हम लोग आपसे लेंगे नहीं, मगर आपने गेंद तारामंडल बजाई जो भी वापस नहीं आई है, जब 3 बॉल रह गए थे और वो आपके सामने आर्यन थे, तो आपने लास्ट में क्या स्ट्रेटजी बनाई, कुछ यूनिक स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे करना है लास्ट बॉल तक, मतलब रोमांच बना के रखा आप लोगों ने, और हम लोग का जो ब्लड प्रेशर था वो हाई कर दिया, मतलब लास्ट मोमेंट पे जो प्रेशर आपने दिया ना, तो कैसा वो क्या स्ट्रेटजी थी, क्या सोच थी दिमाग में, वो थोड़ा बताओ सर मुझे।
सर मुझे पता था कि छोटा बच्चा वैसे रन आउट भी होने का चांस था, इसलिए मैं सोचा कि आखिरी बॉल तो रहकर इस मैच को निकालूं। मुझे पता था कि स्टेप आउट करके मैं मैच मतलब निकाल सकता हूं, इसलिए मैं सर आपकी टीम को जीत दिलाई आपने। और हम ज्यादा समय लेकर सीधे अखिलेश सर से कहेंगे कि इन बच्चों के बारे में, और आज इस मैच को आपने भी देखा है, आखिरी के पांच ओवर हमने आपको वहां महसूस किया जिस हिसाब से। थैंक यू सर, दोनों टीमों ने आज बहुत बढ़िया खेला, मतलब आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आया तो जो अपनी सैफ्रॉन बैंक्वेट है काफी संघर्ष किया और काफी अच्छा खेला। मैं अभी ऑफिस में बैठा था तो मैं देख रहा था स्कोर, और लास्ट के जो मैंने ऑर्गोनेक्स टीम को भी देखा, उन्होंने भी काफी संघर्ष किया, आप लोगों ने चैलेंज अच्छा दिया था और लास्ट मोमेंट तक जीतने नहीं दिया। देखो संघर्ष जो है वही सबसे बड़ा विजय होता है, और आप लोगों ने लास्ट मोमेंट तक पानी पिला के रखा, अगर मैं ऐसे भाषा में कहें तो आप लोग हारे नहीं है ना, ये लोग जीते हैं। टक्कर अच्छी रही और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छे बच्चे यहाँ से निकलेंगे, और दीपक साहब का जिस तरीके का गाइडलाइन है और इवेंट है वो काफी अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। लगातार आप डॉट बॉल निकालते रहे, उसके बाद थोड़ा सा मैच जो लूज पॉइंट की वजह से मिसफील्ड हुई, कैच छूटे, वहां पर थोड़ा सा लगा जरूर था कि शायद मैच यहां से चला गया। अगर वहां पर कैच पकड़ ले तो मैच बस बन सकता था। जी हाँ, मैच हाथ में था, फिर उसके बाद जो रनआउट एक मिस कॉल हुई कि रनआउट, मगर अगर वो थ्रो अपने मौका अच्छा था आपकी टीम के पास। और हम बुलाए जाएंगे सनम जौहर को जो कि विनिंग टीम के कैप्टन है। जी हाँ सनम जौहर, हालांकि आज गेंदे ज्यादा खेली है, 35 गेंद खेली है, रन बनाए हैं 3, मगर एक पॉइंट से विकेट को रोक कर रखा था। छोटे से खिलाड़ी है, अपनी 19 से ज्यादा गेंदे खेली उन्होंने, मौका था। सनम लगातार दूसरी जीत है, कांग्रेचुलेशन आपकी, कैसा महसूस हो रहा अपनी टीम के लिए? शायद एक समय पर ऐसा था कि मैच हार गए थे आप। रात में रात बिताई है कैसे ठंडी में वो रहे मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं उनको अपने साथ घर ले जाऊंगा और वहाँ रुकूंगा कि कल लेके आऊंगा। जी हाँ, पहले जरूरी होना चाहिए कि आपकी टीम को मजेदार से निकाला, 9 विकेट था वहाँ पर, रन बनाए, पार्टनरशिप करी। शायद एक समय पे जब विकेट लगातार जो गिरी थी, अर्जुन दुबे ने विकेट लिया था इधर से, आदित्य ने और इधर मोहम्मद ने विकेट, तो शायद मैच वहां से आप हार गए थे। ये हम हार गए थे और भैया का कैच भी छूट गया, हमें लगा कि वहीं से मैच हार गए, जब ड्रॉप हुआ तो उम्मीद जाएगी कि बस अब जीतना ही है बस। देखो मन में बना के जैसे कि विजय को भेजा था कि नहीं अब आपको आखिरी के ओवर है, आपको चार्ज करना है, मारना ही रोकना नहीं। मैंने भैया को ये बोला था कि भैया विकेट रोक के खेलेगा और रन थोड़ा सिंगल डबल निकालते रहेगा, तब भैया अपने हिसाब से खेले और हम लोग को जीत हासिल की। चलिए वेलकम कांग्रेचुलेशन, चलिए कांग्रेचुलेशन सरम, आपकी टीम आपने अच्छा नेतृत्व किया अपनी टीम को और विजय को सही पोजीशन पे भेजा। बॉलिंग की अगर बात करें तो बात करेंगे, छोटा सा खिलाड़ी जरूर है, कप्तान है टीम का, मगर एक सही समय पर सही गेंदबाज को लगाता है, जहां पे विकेट चाहिए होती है वहां पे लगाता है। हालांकि कुछ गेंदबाज इनके आज विकेट नहीं पाए, मगर वहां पर उन्होंने गेंदबाजी से अच्छा दमखम दिखाया। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे इसी ग्राउंड पर एक और मुकाबला देखने के लिए कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा। और हम अपने सर से चीज आएंगे कि दोनों टीमों के साथ एक फोटो हो जाए जो कि हम हमेशा अपने एल्बम में अपने उसमें सजा के रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो एक एक करके टीम आ जाए, विनिंग टीम।